हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस केसी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वड़ा पाव, जो बच्चों का बहुत फेवरेट है और बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं वड़ा पाव कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं वड़ा पाव। सबसे पहले हम लेंगे राई, उसके साथ ही हम लेंगे कड़ी पत्ता, और ये थोड़ा सा हमने अदरक लहसुन लिए हैं ग्रेटेड, और हरी मिर्च, हरा धनिया थोड़ा से, और नमक लेंगे और थोड़ी सी हींग लेंगे, और हम लेंगे जीरा, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, और साथ में हमने बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं और ये आधा किलो बेसन लिया है हमने, और साथ में हमने ये पाव लिए, अमूल के पाव लिए, आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पैन में ऑयल लिया है, उसमें हम राई डालेंगे। ये चटकने की आवाज़ आएगी आपको अच्छे से, इसमें ये भून जाएगी, और उसके साथ ही हम ये चटक रहा है उसके साथ हम जीरा डाल देंगे। देखिए जीरा भी अच्छे से भून जाए इसके साथ। इसके साथ ही हम यहाँ पर इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनने देंगे। अदरक लहसुन जो हमने कुतरा करके रखा हुआ था वो डाल दिया है, उसको अच्छे से चलाएंगे। हल्दी डाल देंगे इसके साथ हम, सूखा धनिया डाल दिया, इसको भी, लाल मिर्च, अच्छे से चलाएंगे, मसाला भूनेंगे इसका। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। देखिए ऑयल छोड़ रहा है मसाला। आलू मैश कर लिए हमने, हींग डाल लेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल लेंगे, और नमक डाल लेंगे, और इसको अच्छे से हम चलाएंगे ताकि पूरा मिक्स हो जाए और अच्छे से मसाला भूनने का फ्लेवर अच्छे से आ जाए उसमें। हरा धनिया हम बाद में भी डालेंगे, कुछ हमने अभी डाला है। इसके साथ ही आलू डाल देंगे, आलू डाल के हम इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसाले की, और ये अच्छे से भून चुका है। इसमें अलग से हमने हरा धनिया और डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। यह हमारा मसाला जो है उसके लिए रेडी हो चुका है। और ये आलू को अच्छे से ठंडा होने के बाद हम गोले बना लेंगे, लड्डू के शेप के जितने बनाएंगे। और अब बेसन की तैयारी करेंगे, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे टेस्ट अनुसार, मैंने आधा किलो में 2 चम्मच डाला है, और चुटकी भर इसमें आधा स्पून से भी कम मीठा सोडा डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इसका जो हमें बैटर है थोड़ा सा थिक रखना है, पतला नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे
ताकि बैटर पतला नहीं हो, हमें थोड़ा गाढ़ा बैटर चाहिए, इसका थिक हो, थिकनेस होनी चाहिए इसमें। तो हम धीरे धीरे पानी इसमें डालेंगे कि बैटर पतला ना हो। देखिए अब लगभग कंप्लीट होने वाला है हमें, क्योंकि बैटर इसका पतला नहीं चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये हमारा लगभग रेडी हो चुका है। ऐसे हमें चाहिए बैटर, इसका पतला नहीं चाहिए, इतना इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। देखिए ऐसे हम इसको देख रहे हैं, बहुत गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे हम चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये देखिए जो हमने इधर और थोड़े से प्रिपेयर किए थे, आलू के गोले बना के हमने रख लिए थे, कुछ और बना रहे हैं हम। ऐसे ये देखिए हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स देखिए ऑयल गर्म हो गया, हम बेसन डाल के ट्राई कर रहे हैं इसमें। ये देखिए वो फूल के ऊपर आ गया है और हमने बॉल्स बनाए हैं, जो बॉल्स हमने बनाए हैं देखिए, जो वड़ा बन जाएंगे इसमें डालेंगे अच्छे से कोटिंग के लिए, जिसको हम वड़ा पाव में लगाते हैं और वड़ा बोलते हैं। ये देखिए इसको अच्छे से कोटिंग देंगे। ऐसे ही हम और बनाएंगे। ये मैं आयरन की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, आयरन की कढ़ाई में ही मैं डीप फ्राई करती हूँ। मोस्टली सूखी सब्जी मैं आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि जिस बर्तन में हम खाना बनाते हैं तो उसके इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे भी आता है, तो आयरन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बनाएं तो आप प्लीज़ इसको आप ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए आप पकने शुरू हो चुके हैं, इसको हम पलटाएंगे। देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जब ये अच्छे से सिक जाएंगे दोनों साइड से, अच्छे से हम इसको देख लेंगे कि कच्चे भी ना रहें। और ये देखिए पक चुके हैं, अभी इसको हम निकाल रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं इसका ऑयल जो है साथ में। ऐसे थोड़ा अगर कुछ ऑयल हो तो निकल जाए, इसको हम प्लेट में निकालेंगे ताकि ऑयल अच्छे से निकल जाए। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स ये मिर्च है, इसमें हमने नमक लगाया है और ये वड़ा पाव के साथ बहुत टेस्टी लगती है, तो इसको भी हम प्रिपेयर करेंगे उसके साथ खाने के लिए। इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, ऑयल गर्म है। ये नमक वाली जो मिर्च थी इसको हमने इसमें डाल दिया है, और इसको ज़्यादा देर नहीं डालना, बस डालना है और थोड़ी देर बाद ही बस निकाल लेना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं इसको रखना। इसका जो टेस्ट आता है वड़ा पाव के साथ बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, खाएंगे तो आपको इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है वड़ा पाव के साथ। देखिए देखिए वड़ा और मिर्च बनकर तैयार है। देखिए अब हम पैकेट में से पाव निकालेंगे और उसको हल्का सा काटेंगे, यहाँ से पूरा नहीं काटेंगे, जिससे हम इसमें वड़ा रख सकें। ये देखिए हमने थोड़ा सा काटा है और उसको सेक लिया है, और इसको हमने क्योंकि
बड़े के अंदर डीप फ्राई है तो इसमें हम ऑयल नहीं लगा रहे, इसको हल्का सा सेक लेंगे और इसमें हम बड़ा रख के ऐसे और वो मिर्च और सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा वड़ा पाव जो खाने में देखने में बहुत टेस्टी और सबके मन पसंद आई है। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।